Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean to find them. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Hello, students. Welcome to Rocket Learning and lecture number 2 of Religious Trends in Ancient East India. हमने ये चैप्टर लास्ट लेक्चर से शुरू कर दिया था. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जंप करेंगे. तो हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो कवर कर ली थी. साथ ही हमने जैनिज्म भी शुरू किया था. हमने देखा था कि जैनिज्म जो है वो वर्धमान महावीर ने शुरू किया था. इनफैक्ट शुरू नहीं किया था बट उन्होंने जैनिज्म को बढ़ावा दिया था. साथ ही वर्धमान महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के. अब इस लेक्चर में हमें वर्धमान महावीर की जीवन के बारे में थोड़ा और पढ़ना है. तो हम शुरू करते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये BCE वगैरह के बारे में भी बताया था, पूरी टाइमलाइन के बारे में बताया था. आई होप आप लोगों को याद है. तो वर्धमान महावीर जो थे उनका जन्म जो है वो 599 BCE में हुआ था, बिफोर कॉमन ईरा. और उनका जो डेथ है वो हुआ था 527 BCE में. देयर वॉज अ महाजनपद नोन एज व्रिजी इन विच इज नोन एज द स्टेट ऑफ बिहार टुडे. ठीक है, तो एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम है व्रिजी. और ये जो व्रिजी है वो आज का बिहार है. आपने सुना होगा बिहार का नाम. बिहार एक इंडिया का स्टेट है. ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मतलब वैदिक सिविलाइजेशन के बाद में बिहार जो था उसे कहा जाता था व्रिजी. और व्रिजी एक महाजनपद था. महाजनपद क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमारा जो इंडिया है उसमें विलेजेस हैं. ठीक है, विलेजेस के बाद विलेजेस को अगर मिक्स किया जाए तो एक डिस्ट्रिक्ट बनता है. फिर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट जब एक साथ आ जाती है तो स्टेट बनता है. और स्टेट से पूरा हमारा कंट्री बनता है. तो वैसे ही ओल्डन टाइम में या वैदिक टाइम में क्या होता था कि कुछ पार्ट्स, ठीक है, कुछ लैंड के पार्ट्स या कुछ प्लेसेस एक साथ आ जाते थे और फॉर्म करते थे जनपद. जन यानि लोग और पद यानि जन यानि लोग और पद यानि पाँव. यानि जब जहाँ जहाँ लोगों का पाँव पड़ने लगा वहाँ पे जनपद फॉर्म होने लगा. तो अलग अलग जगहों पे डिफरेंट जनपद फॉर्म हुए होंगे. ठीक है, तो ये सारे जनपद जब फाइनली एक साथ आ गए तो एक बड़ा सा रीजन बना जिसका नाम हो गया महाजनपद. बहुत सारे जनपद जब एक साथ आए तो उसका नाम क्या हो गया, महाजनपद. तो उसी महान जनपद में से एक महाजनपद था व्रिजी. ठीक है, तो व्रिजी जो है वो एक स्टेट था, महाजनपद था. और उसका कैपिटल कौन था, वैशाली. उसका कैपिटल हुआ करता था वैशाली. आपको ये याद रखना है कि व्रिजी एक महाजनपद था और उसका कैपिटल था वैशाली. अब ये व्रिजी का क्या रोल है वर्धमान महावीर की लाइफ में, तो वो अब हम पढ़ेंगे. तो वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम, अ पार्ट ऑफ वैशाली. तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था, व्रिजी. ठीक है, व्रिजी. और व्रिजी का कैपिटल था, यानी व्रिजी का कैपिटल है वैशाली. तो वैशाली जो है वो भी व्रिजी के अंदर ही होगा, राइट. तो वैशाली व्रिजी का कैपिटल था. और वैशाली का एक छोटा सा पार्ट था जिसका नाम क्या था, कुंडाग्राम. जिसका नाम था कुंडाग्राम. और उस कुंडाग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था, उनका बर्थ हुआ था. अब वर्धमान महावीर जो थे उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और उनकी मदर का नाम था त्रिशाला. ये भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एंड ऑल कम्फर्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. अब वर्धमान महावीर ने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया. मे बी एट द एज ऑफ 30 के आसपास उनकी एज थी तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. और उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्हें नॉलेज चाहिए था. एक उनका ऐसा रूल था कि मतलब जैनिज्म का ऐसा रूल था कि अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको जितने भी लग्जरीज है, जितने भी कंफर्ट्स है, सबको छोड़ना पड़ेगा, सबका त्याग करना पड़ेगा और अकेले किसी लोन प्लेस में जाकर आपको ध्यान करना पड़ेगा या मेडिटेशन करना पड़ेगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके.
ही अटेंड एनलाइनमेंट आफ्टर 12 एंड हाफ ऑफ रिगरस तप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब अपना घर छोड़ दिया तो उन्होंने बहुत ही कड़ी साधना की, बहुत ही कड़ा तप किया। ठीक है, तप क्या होता है, जो साधु संत करते हैं सालों सालों तक ध्यान में बैठते हैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, उसे कहा जाता है रिगरस तप। तो उन्होंने कितने सालों तक किया ये तप, 12 एंड हाफ ईयर्स तक। ठीक है, 12.5 सालों तक उन्होंने ये तप किया और उसके बाद उन्हें एनलाइनमेंट मिला। एनलाइनमेंट का मतलब होता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, दिस नॉलेज वॉज प्योर और केवल, ये जो नॉलेज था वो प्योर था एकदम, और ये जो नॉलेज है उसे केवल भी कहा जाता है। जब बहुत सालों तक तप करने के बाद हमें नॉलेज मिलता है तो उसे केवल कहते हैं, इसीलिए उन्हें केवली भी कहते थे। जो वर्धमान महावीर थे उन्हें केवली भी कहते थे। क्यों केवली कहते थे उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत सालों तक तप किया था, इससे उन्हें एनलाइनमेंट मिला था, इसीलिए उन्हें केवली भी कहते थे। ही वॉज कॉल्ड जीना और कॉन्क्यूरर बिकॉज द जॉय डिराइव फ्रॉम फिजिकल कम्फर्ट्स एंड द डिसकम्फर्ट फेल्ट ड्यू टू अनडिजायर्ड थिंग्स हैड नो इम्पैक्ट व्हाटएवर ऑन हिम। अब वर्धमान महावीर को लोग जीना भी कहते थे। सबसे पहले तो जीना का मतलब क्या होता है, जीना का मतलब होता है कोई एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया हो। ठीक है, उसे कहा जाता था जीना। तो जीना या फिर इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्यूरर। तो उन्हें जीना या कॉन्क्यूरर क्यों कहते थे लोग, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने साल तक, पूरे 12.5 सालों तक तपस्या की थी, रिगरस तब किया था, तब जाके उन्हें एनलाइनमेंट मिला था, इसीलिए लोग उन्हें क्या कहने लगे, जीना कहने लगे। द टर्म जैन डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड जीना। ठीक है, तो जो जैन टर्म है ये भी जीना से ही डिराइव की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी जैन धर्म फॉलो करेगा उसे जीना कहा जाएगा, या सिर्फ फॉलो करने वाले को ही जीना नहीं कहेंगे, बल्कि जो वर्धमान महावीर की तरह सालों तक तप करेगा और एनलाइनमेंट को प्राप्त करेगा तब उसे जीना कहा जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वर्धमान इज सेड टू बी महावीर बिकॉज ही हैड द रेजिलेंस द करेज टू कॉन्क्योर ऑल पैशंस। ठीक है, वर्धमान को महावीर भी कहा जाता था। महावीर में महा का क्या मतलब होगा, महा यानि ग्रेट और वीर यानि, आपको पता है वीर यानि जो बहुत महान है। ठीक है, तो जो ग्रेट है उसे कहेंगे महावीर, और वर्धमान को महावीर क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही कड़ा तप किया और उन्होंने अपने सारे जो पैशंस थे उसको कॉन्क्योर कर लिया था। पैशंस को कॉन्क्योर कर लेना यानी सारे कंफर्ट्स को छोड़ देना, अपनी जो आशाएं हैं, हमारे जो भी डिज़ायर्स होते हैं उनको अपने बस में रखना, अपने काबू में रखना, साथ ही हमारे जो सेंसेस होते हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखना। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही प्रीच्ड फॉर अबाउट 30 ईयर्स टू एक्सप्लेन द एसेंस ऑफ रिलीजन टू पीपल। अब हमने देखा कि जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने 12.5 सालों तक तप किया, फिर उन्हें एनलाइनमेंट मिला यानी ज्ञान मिला, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद लगभग 30 ईयर्स तक, मतलब जब तक भी वो जिंदा थे, उन्होंने क्या किया, तब तक घूम घूम कर लोगों में अपना ज्ञान फैलाने की कोशिश की। ठीक है, उनके जीवन का जो मकसद कहते हैं, उनके लाइफ का एक ही गोल था कि वो लोगों तक अपना जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो लोगों तक पहुँचा सके। टू मेक इट ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इट ही स्पोक टू देम इन अर्धमगधी। ठीक है, अब उस टाइम में जो लोग थे उन लोगों में एक लैंग्वेज बहुत ही फेमस थी, दैट इज अर्धमगधी। आज के ज़माने की बात करें तो आज हम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, राइट। वैसे ही उस टाइम पे जो लैंग्वेज बोला करते थे लोग वो थी अर्धमगधी। ठीक है, तो जो वर्धमान महावीर थे वो भी अपनी टीचिंग्स अर्धमगधी में ही दिया करते थे, मतलब इस लैंग्वेज में लोगों को बता सकते थे। अब वो इसी लैंग्वेज में क्यों बताते थे लोगों को, क्योंकि लोग जो है ये लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते थे, ये लैंग्वेज लोगों को अच्छे से आती थी। द रिलीजन दैट ही एक्सपाउंडेड लेड स्ट्रेस ऑन गुड कंडक्ट। अब वर्धमान महावीर ने जो रिलीजन फाइंड किया यानी जिस रिलीजन के बारे में वो टीच कर रहे थे लोगों को, उस रिलीजन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, गुड कंडक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गुड कंडक्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा आचरण। ठीक है, गुड बिहेवियर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी जैन धर्म की, कि हमें अपना जो बिहेवियर है वो हमेशा ही अच्छा रखना चाहिए।
द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स फॉर ग्रेट कंडक्ट इज कंटेंट इन द फाइव ग्रेट वॉस दैट इज पंच महाव्रतास। अब जो भी वो टीच करते थे, वर्धमान महावीर जो भी टीच करते थे लोगों को, उन टीचिंग्स के लिए पांच महाव्रतास उन्होंने बनाए, ठीक है। और उन्होंने ऐसा रूल बनाया कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करेगा, जो भी जैन धर्म को फॉलो करेगा उसे ये फाइव ग्रेट वॉस। वॉस क्या होता है? वॉस यानी हम जो शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसे वॉस कहते हैं। तो फाइव ग्रेट वॉस जैन धर्म के लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, उसी को हिंदी में कहते हैं पंच महाव्रतास। अभी हम देखेंगे कि पंच महाव्रतास या फाइव ग्रेट वॉस क्या होते हैं। एंड द थ्री जेवल्स और थ्री रत्न, ठीक है, इसको भी फॉलो करना पड़ता है। ये सब जैन धर्म के थे, फाइव ग्रेट वॉस भी और थ्री जेवल्स भी। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वॉज नोन एज समावसरन इन अर्धमगधी। अब मैंने आपको क्या बताया कि 12.5 सालों तक वर्धमान महावीर ने क्या किया? तप किया, कड़ा तप किया। और फिर उन्होंने लगभग 30 ईयर्स तक घूम घूम कर लोगों को अपनी टीचिंग्स बांटी, ठीक है, लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब वर्धमान महावीर लोगों तक ज्ञान पहुंचाते थे तो वो क्या करते थे? प्लेस टू प्लेस पर घूमते थे, ठीक है। तो जब वो किसी प्लेस पर रुकते थे अपनी टीचिंग्स डिलीवर करने के लिए, तो वो क्या करते थे? वो एक जगह बैठ जाते थे किसी पेड़ के नीचे अपने ध्यान में, और लोग जो हैं उनके आजू बाजू में ग्रुप बना के जमा हो जाते थे या बैठ जाते थे। तो ये जो ग्रुप बनाते थे लोग ये टीचिंग्स वर्धमान महावीर की टीचिंग्स को लेने के लिए जो लोग ग्रुप बनाते थे, उस ग्रुप को कहा जाता था समावसरन, ठीक है। जैसे टीचर हमें क्लास में पढ़ाती है तो हम सारे बच्चे बैठे होते हैं और टीचर पढ़ाती है, तो हम सारे बच्चे जब बैठे होते हैं तो हमारे सब बच्चों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कि हम क्लास, ये पूरा क्लास है, बोलते हैं ना। तो वैसे इनके ग्रुप को भी क्या बोलते थे? समावसरन इन अर्धमगधी। और ये मैंने पहले भी बताया कि कौन सी लैंग्वेज में बोलते थे महावीर जी? अर्धमगधी लैंग्वेज में बोलते थे। समावसरन वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, पीपल ऑफ ऑल वर्णास हैड एंट्री टू इट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया कि जो समावसरन था, समावसरन यानी उनका जो भी ग्रुप था, जो लोग ग्रुप बनाते थे टीचिंग्स लेने के लिए वर्धमान महावीर से, उसे कहते थे समावसरन, ठीक है। तो समावसरन जो था वो इक्वालिटी पे बेस्ड था। जो वर्धमान महावीर थे वो कभी भी कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करते थे, वो बस इक्वालिटी में बिलीव करते थे। तो जितने भी धर्म के लोग, उस टाइम धर्म तो नहीं होता था लेकिन वर्ण होते थे, राइट, वर्णास होते थे, चार वर्णस मैंने आपको बताई भी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हुआ करते थे। तो किसी भी वर्ण का इंसान उन टीचिंग्स में या उन समावसरन में जाके बैठ सकता है और वर्धमान महावीर की टीचिंग को या ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। किसी भी वर्ण को कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द पंच महाव्रतास के बारे में कि जो पंच महाव्रतास थे, मैंने आपको बताया कि पंच महाव्रतास क्या थे, जो भी जैन धर्म को फॉलो करेगा, उसे द पंच महाव्रतास को भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये रूल था। तो पंच महाव्रतास क्या थे? इसे इंग्लिश में कहते हैं द फाइव ग्रेट वाउस। दिस आर फाइव रूल्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे सभी लोगों को। अब ये फाइव रूल्स थे क्या? आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वेयर द पंच महाव्रतास या फिर व्हाट वेयर द फाइव ग्रेट वॉस। तो आपको ऐसा ही सेम टू सेम फाइव जो पॉइंट्स हैं ये सब लिखना पड़ेगा। हम एक एक करके अभी इसे डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है अहिंसा, ठीक है, हिंदी में हम इसे लिखते हैं अहिंसा, पढ़ते वक्त इसे अहिंसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त इसे लिखना है अहिंसा, राइट, अहिंसा लिखना है। तो अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायोलेंस, यानी नॉन वायोलेंस का मतलब होता है कभी भी झगड़ा ना करना। आपने सुना होगा कि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, यानी कि वो हर बात को शांति से सुलझाने में ही समझदारी समझते थे। वो कोई भी बात को झगड़े से, बहस करके या युद्ध करके, लड़ाई करके सुलझाना पसंद नहीं करते थे।
तो उसे ही कहते हैं अहिंसा, कि किसी भी बात को शांति से सुलझाया जाए। तो नो लिविंग बींग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म्ड थ्रू वंस बिहेवियर। अहिंसा का मतलब क्या था कि कोई भी लिविंग बींग को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और उसे किसी भी टाइप का हार्म नहीं होना चाहिए, उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए हमारे बिहेवियर से। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था अहिंसा। दूसरा जो रूल था पंच महाव्रताज का, दैट वॉज सत्य। सत्य यानी क्या होता है? ट्रूथ। हर पर्सन को हमेशा ही सच बोलना चाहिए। एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। ठीक है, कोई भी झूठा काम नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। थर्ड जो टीचिंग है दैट इज़ अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग या अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, चोरी करना सख्त मनाई थी जैन धर्म में, तो अस्तेय मीन्स थेफ्ट। अस्तेय का मतलब होता है थेफ्ट, यानी चोरी ना करना। टेकिंग वॉट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग एनीथिंग। तो दूसरों से बिना पूछे उनकी कोई सामान ले लेना, इसको बोलते हैं स्टीलिंग या थेफ्ट, यानी चोरी। तो अस्तेय का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्टील ना करना, किसी भी चीज़ की चोरी ना करना, इसे कहा जाता है अस्तेय। जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था अपरिग्रह, दैट इज नॉन अटैचमेंट। अपरिग्रह क्या होता है कि किसी भी वस्तु से लगाव ना रखना। यहाँ पे दिया भी गया है कि मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। अपरिग्रह मीन्स नॉट होल्डिंग और अक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन दिस वे। देखिए, लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उतना ही ज़्यादा वो और पाना चाहते हैं। लेकिन जैन धर्म में वर्धमान महावीर ने क्या बताया कि जो वो लोग प्रॉपर्टी जमा करते हैं लोग अपने लालच की वजह से, अपने ग्रीड की वजह से, तो वो नहीं करना चाहिए। बल्कि किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट या कलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट या कलेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए। उसे कहा जाता है नॉन अटैचमेंट या फिर अपरिग्रह। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ब्रह्मचर्य, दैट इज चैस्टिटी। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो हर किसी को करना ही पड़ता है जो भी जैन धर्म स्वीकार करेगा। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द वोस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लग्जरीज हैं, जो भी बॉडी के प्लेजर्स हैं, मतलब जिस भी चीज़ से हमें अच्छा लगता है, तो वो सबको छोड़ देना चाहिए। और जो पांच वाउस है, ये पांचों वाउस को या पंच महाव्रतास को फॉलो करना चाहिए। तो ये पांच रूल्स थे जो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, ऐसे वर्धमान महावीर ने बताया था। अब इन रूल्स को याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रख दीजिए ट्रिपल ए और बी एस। ठीक है, ट्रिपल ए और बी एस, ट्रिपल ए बस, ट्रिपल ए बस। ठीक है, तो ए यानी क्या था, अहिंसा, फिर है अस्तेय, फिर है अपरिग्रह, फिर है बी से ब्रह्मचर्य और लास्ट है एस से सत्य। तो ये आपको याद रखना है, साथ में ब्रैकेट में जो इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं वो भी याद रखना है। जो अहिंसा है उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वायोलेंस। ठीक है, मतलब शांति से काम लेना चाहिए। जो दूसरा है अस्तेय, यानी चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग। जो तीसरा है अपरिग्रह, यानी नॉन अटैचमेंट, किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रखना चाहिए। जो चौथा है दैट इज़ ब्रह्मचर्य, यानी चैस्टिटी, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना चाहिए, अपने प्लेजर्स को छोड़ देना चाहिए। और पांचों जो वाउस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। और लास्ट इज सत्य, यानी ट्रुथ, हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये पाँचों वाउस या वाउस समझ में आए होंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक आप ये जो पांचों वाउस हैं उन्हें अच्छे से बार बार पढ़िए ताकि आपको ये याद हो जाए। और हमेशा की तरह जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन ये है कि वर्धमान महावीर जब भी लोगों को टीच किया करते थे, ठीक है, तो लोग जमा हो जाते थे, तो उस ग्रुप को वर्धमान महावीर जब भी टीच किया करते थे तो लोग जमा हो जाते थे, तो उस ग्रुप को क्या कहते थे। ठीक है, उनके टीचिंग के लिए जो लोग इकट्ठा होते थे उस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप भाग जाते हो, कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ट्रूली एंडिंग तक और कितने बच्चों को समझ रहा है। ठीक है गाइज, टिल देन
बाय बाय। और इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें हम आगे का पढ़ेंगे, त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ही क्या क्या और टीचिंग्स थी वर्धमान महावीर की उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। टिल देन आप इसी को रिवाइज कीजिए एंड बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। इसका मुस्का मीठे, इसका मुस्का।